जो हाइड्रोकार्बन वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं हो सकता तो वुड्स रिएक्शन फ्रेंड्स इसमें दो अल्काइल हेलाइड आर एक्स प्लस आर डैश एक्स आर और आर डैश एक्स सेम हो सकते हैं या नहीं भी रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन ड्राई इथर टू गिव एल्केन हायर चेयर अल्केन फ्रेंड्स इट इज यूज टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन्स फ्रेंड्स इससे सिमेट्रिकल एल्केन्स ही प्रिपेयर होते हैं एंड अब हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं हो सकता तो फ्रेंड्स वन बाय वन ऑप्शन को देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऐसा तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर दूँ तो हमें जो मोलिक्यूल मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा ऐसे हमें दो मॉलिक्यूल मिलेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है इसीलिए ये वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर हो सकता है नेक्स्ट है हमारा ये वाला ऑप्शन तो फ्रेंड्स इस मॉलिक्यूल को अगर यहाँ से ब्रेक कर दो तो आप देखोगे कि आपको दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो ये भी सिमेट्रिकल है इसीलिए वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर हो सकता है एंड हमारा थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन में आप इस मॉलिक्यूल को अगर यहाँ से ब्रेक करो तो जो आपको मॉलिक्यूल मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा तो फ्रेंड्स ऐसे आपको दो मॉलिक्यूल मिलेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये भी सिमेट्रिकल है एंड वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर हो सकता है तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स ये आपको देखने से पता चलेगा कि अनसिमेट्रिकल है तो अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो हम वुड्स रिएक्शन को यूज़ नहीं कर सकते इसको प्रिपेयर करने के लिए तो ये वो एल्केन है या हाइड्रोकार्बन है जो वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं हो सकता तो जो हमारा ऑप्शन आएगा वो है फोर्थ ध्यान रखिए फ्रेंड्स सिमेट्रिकल एल्केन या सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन ही प्रिपेयर कर सकते हैं हम वुड्स रिएक्शन से तो फोर्थ हमारा अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इसे हम प्रिपेयर नहीं कर सकते आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर